पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जयाप्रदा के चुनाव प्रचार में रामपुर जा रहे अमर सिंह ने आजम खान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम नारी का सम्मान करते हैं, अभी अभी नवरात्र निकले लेकिन उसी नारी का अपमान किया जा रहा है। मुस्लिम हमारे दुश्मन नहीं बल्कि खिलजी, तैमूर, लंग जैसे लोग नारी का अपमान करने वालों से उन्हें दिक्कत है। अमर सिंह ने इशारों में खिलजी, रावण और दुशासन से आजम खान की तुलना कर डाली। जयाप्रदा पर दिए गए आजम के विवादित बयान पर सोनिया, मायावती, ममता बनर्जी और प्रियंका के खामोश रहने पर अमर सिंह ने हैरानी और दुख जताया। मायावती को याद दिलाया आजम खान का उन पर दिया गया विवादित और बेहद गंदा बयान। उन्होंने सवाल भी उठाया कि वो ऐसे में आजम के प्रचार में कैसे आएंगी। उन्होंने कहा यहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ देवों का वास नहीं। अभी भी नवरात्र बीता है और हम हमारी संस्कृति नवरात्र के माध्यम से आदि शक्ति को पूजित करते हैं, अजीत उसकी आराधना करते हैं। हमारी संस्कृति और शास्त्र कि जहाँ नारी का सम्मान न हो, जहाँ उसकी पूजा न हो। वहाँ पर देव का वास। सवाल हिंदू और मुसलमान का है, सवाल हिंदुस्तान की संस्कृति। हम मुसलमानों के विरोध में नहीं, हम वही अमर सिंह हैं जो हिंदुस्तानी मुसलमान अब्दुल हमीद के समर्थक हैं, जो डॉक्टर कलाम के समर्थक हैं, जो सफ़ुल्ला खान के समर्थक हैं। लेकिन अगर नादिर साहब अब्दाली, अलाउद्दीन खिलजी और तैमूर लंग की क्रूर संस्कृति और विरासत का पोषण कर अगर हमारी माँ बहनों के अंतर वस्त्रों की बात हो, तो मामला रामपुर का नहीं है, ये मामला चुनाव का नहीं है, ये मामला जीत और हार का नहीं है, ये मामला अपने अस्मिता को बचाने का है। ये आजम खान और हर युग में रेता में रावण ने सीता माता के ऊपर, द्वापर में दुर्योधन दुशासन ने द्रौपदी, और कलयुग में इसके पहले खिलजी ने पद्मावती पर बुरी नजर डाली थी, और आज सार्वजनिक सभा में और एक साधारण असाधारण घटना हुई। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। मैं तो ये कहूँगा कि देश की तमाम महिलाएं जो महिला सशक्तिकरण के लिए अभी जो भी बातें करती हैं वो कहाँ हैं? ममता बनर्जी कहाँ हैं? प्रियंका गांधी कहाँ हैं? आदरणीय सोनिया जी कहाँ हैं? मायावती जी कहाँ हैं? और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, इसी आजम खान ने मायावती जी के लिए सार्वजनिक सभाओं में कहा है कि बबुआ जवान हो गया है, बुआ जी गोद में बैठिए बड़ा मजा है। क्या ये अच्छा बयान है? इसी आजम खान ने कहा है कि मायावती अधिकारियों से जूता साफ करें, तो क्या मायावती ऐसे आजम खान का प्रचार करने आएंगे? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह और चचा शिवपाल यादव और हमारे से पुराने लोगों का मान का मर्दन किया, अंसारी बंधुओं के प्रश्न, ये शिवपाल जब अध्यक्ष थे उनकी प्रविष्टि नहीं होगी, इस पर उसने पूरा खंडन भंजन कर दिया। अब तो अखिलेश यादव का प्रत्याशी है अफजाल अंसारी, और मुख्तार अंसारी के सुपुत्र अखिलेश यादव का प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब कि अंसारी बंधु बहाना मात्र थे, अखिलेश यादव औरंगजेब है, और ये अपने बाप को सत्ता के लिए शाहजहां की तरह कैद कर सब हड़पने का अभियान चला रहे थे। इन तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा और आजम खान के लंगोट प्रेम को मैं अच्छी तरह से उसका